नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुड़िंग की शुरुआत करते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना अंतर्गत फतेहपुर में हुए डबल मर्डर मामले में शामिल मुख्य अभियुक्त विकास मंडल सहित दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। आपको बताते चले कि जिसकी जानकारी सिटी एसपी राज ने प्रेस वार्ता कर आयोजित की और 6 जून को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में विकास मंडल और उसके परिवार के द्वारा राजीव मंडल के परिवार के साथ मारपीट की गई। इसी क्रम में राजीव मंडल और पुत्र आयुष कुमार को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि दोनों जख्मी व्यक्तियों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आयुष कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और साथ ही राजीव मंडल को भी बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है, जिसकी रास्ते में मौत हो गई है। परसों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में हुए डबल मर्डर मामले में इसका खुलासा किया गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त विकास मंडल, पिता स्वर्गीय किशुनदेव मंडल, रवि कुमार पिता विकास मंडल, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ इसके एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक खोखा भी बरामद किया गया है और ये पूरे हत्याकांड में जो मामला निकल के आया है, यह मामला जो संदिग्ध छेड़खानी से संबंधित मामला है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जो पीड़िता हैं, जो मृतक है, उनकी पत्नी के पे जो है छेड़खानी का ये मामला आ रहा था, जो FIR के अकॉर्डिंग है और आसपास के लोगों द्वारा भी यह बताया गया है। अच्छा बाबू, क्या बजे घटना घटी थी? 8 बजे। सवेरे 6-7 बजे सारू रुकी के गाड़ी के लम खूब किया, तो आपको गोली भर्ती कर देंगे, ये कर देंगे। तुम तो कुछ नहीं बोले, डर से चुपचाप रहे। फिर भी घर में घुसा, वहाँ पे मामू खड़ा था दुकान के पास, वहाँ पे मम्मी बैठा था। उसके बाद आया गाड़ी का लम खूब करने लगा। अब मामू घर गेट लगा के आ गया ना, तो मम्मी की बोला, इधर देखी नहीं इधर, मम्मी बोला कि वहाँ जाके क्या बात, क्या गोली चला बैठे देख रहा है। उसको ने मारा, मारा मामू को सिर पर, और उसके बाद उसका बेटा को मारा, दोनों के मार। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर केडी के शिकारपुर गांव की मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पंद्रह दिन 20 दिन पहले कर जमदा जे बोलू लाइन में छाता का मुँह दे, हमारे बेटी कल हमारे का मुँह तू सट हम सट दोनों गोटा मरल रही है ना। दहेज हम 2,41,000 रुपया कैश दे दिले बानी, 99,000 के बाइक दिले बानी, फर्नीचर का सामान सब दिले बानी, सिलाई मशीन दिले बानी, फुलहा बर्तन दिले बानी, कुछ कमी ना कर लेने को सिकड़ी औंठी बाकी रह गए रख वही पर एति कह के हमारा बेटी के गला दाब के मुआ दल परमानंद जाना शादी भर लग तो सास शारदा देवी का नाम हो ईश्वर भगत वो अभी थाने में आयल बनी जी तैयार दर्ज कर हाँ थाना में आयल बनी क्या हुआ था तो सिकड़ी खतरा मुआ वाला वालो तो ना को लोग सिकड़ी चाहे किस्ता उठा के 6 गो किस्ता उठा के अब्बा भाई बिया कोई लड़ा गाड़ी दिया बा, 90-2,50,000 रुपया दिया बा, फर्नीचर का सब सामान दिया बा, कपड़ा लत्ता सब दिया बा, बर्तन भैया सब दिया बा, आ सिकड़ी करम ते मंगौले बा नटी दाब बाल बच्चा बा लड़का मंगौले बा लड़का का माई मंगौले बा 3 महीना शादी भइला बस बाल बच्चा का 3 महीना बियाह होला।
बोकारो स्टील नगर सेवा विभाग लगातार अवैध अतिक्रमण पर अभियान चला रहा है। इसी को लेकर भी नगर विकास विभाग की टीम सिटी पार्क स्थित डेफोडिल पहुंचकर अवैध निर्माण का जायजा लेते हुए इसे हटाने का निर्देश दिया है। नगर सेवा विभाग के डीजीएम सिक्योरिटी ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि डेफोडिल रेस्टोरेंट के ऊपर किचन की तरफ एक्सटेंशन कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। लगेगी क्योंकि इसके पास कोई परमिशन ऑर्डर नहीं है। ये जो वर्क ऑर्डर दिखा रहा है उस वर्क ऑर्डर का सिविल वर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये इलीगल एनक्रोचमेंट के दायरे में आता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर इलीगल है जिस पर कि हमारे पास फोटोग्राफ है, लेकिन अगला कह रहा है कि हवा आई तो उसमें सब उड़ गया। तो अब जो कुछ है अभी ये विधि विधान से वहां इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो पेनल्टी लगेगी। मुझे जो पहले पता चला इसके पहले भी एक बार एक्सटेंशन उसको तोड़ा गया था, अभी भी सेम चीज होगा। जो भी गैर कानूनी एक्सटेंशन हो रहा है इलीगली होगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा काम था इलीगल एनक्रोचमेंट का, वो उसको वार्निंग दी हुई है। मजे की बात है इसने एग्री हुआ था फिर भी इसने बना लिया रातों रात जो इंटरनल था, तो चलो वो तो डेमोलिश हो ही जाएगा। लेकिन आगे कार्रवाई कह रहा है कि इसकी माताजी सिरे से परमिशन लेगा और जो कुछ मैनेजमेंट बताएगी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन। कैमूर से खबर है कि मजाक का विरोध करना एक वृद्ध व्यक्ति को भारी पड़ गया है, जहां पर मजाक उड़ाने वाले बदमाश युवकों ने लाठी से पीट पीट कर दिव्यांग वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मृतक का बेटा सुनील यादव ने भी बताया कि गांव के कुछ लड़के धर्मदेव यादव को हमेशा चिढ़ाते रहते थे, जिसका वे हमेशा ही विरोध करते थे, लेकिन बदमाश युवक अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। वहीं कल रात को यही हुआ और जब गांव के ही युवकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, तो वहीं जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाश लड़कों में रमेश यादव उसका बेटा और कन्हैया यादव बन्नू यादव द्वारा दिव्यांग वृद्ध का लाठी छीनकर उसी की लाठी से उसे मारपीट कर मौत के हवाले कर दिया। मृतक के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे बाबूजी के मार दलवाना जा वो जे डेट कर गए यहाँ के मार दिले बा रमेश सिंह का बेटा रमेश सिंह मुन्नू यादव कन्हैया यादव फिर उसका का तो कौन हम का तो वहीं पर डेट कर दिया। मेरा माई के मार दिया है, माई के कमल में दर्द है। क्यों मारपीट किया? मारपीट कोई एक भेला चलाया उसी पर वो गाली दे दिया उसी पर वो मार दिया। विकलांग आदमी है। जहानाबाद में पानी नहीं मिलने के कारण स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे 110 पर जाम कर जमकर विरोध भी जताया और दरअसल कई वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि पानी की टंकी पर मोटर खराब होने के कारण 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसकी शिकायत तो लोगों ने पीएचडी विभाग से भी की, लेकिन पीएचडी विभाग के पदाधिकारी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पानी हम लोग का 15 दिन से नहीं मिल रहा है। अच्छा। और सर पानी के चलते हाहाकार यहाँ मचा हुआ है बाकू में। अच्छा। इसी के चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। अच्छा। इसमें हम लोग का सुभाषण मिला है कि आपको 11 से 12 बजे तक पानी आपका पहुँच जाएगा। टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है? हम लोग का टैंकर से पानी मिलता है, उसमें पानी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। सर मामला ये है कि 15 दिन से पानी के बिना पूरे गाँव पानी मिला तरह से टैंक रोल भी आता है तो उसमें भी लोटामारी हो जाता है। कोई कहते हैं अभी बन जाएगा कभी बन जाएगा, ये बन ही नहीं रहा। अच्छा। तो अभी रोड जाम हुआ तो जो हम नहीं देखे थे, और हम लोग गए तो वहाँ से बड़े बड़े आदमी थे कंजिया में, वो बोले इस डी ओ साहब बात करी कि हम अब 10-11 बजे तक
25 या 30 एचपी का मशीन भेज रहे हैं 11 बजे तक। मतलब पानी को लेकर सड़क जाम किया गया? हाँ, पानी के लिए जाम किया गया है। तराही तराही तो सड़क पूरे गांव पानी के लिए तलट रही है। का हुआ है? टंकी सर बिगड़ा रहा है तो पानी ना रहे है। के दिन से पानी टंकी बिगड़ा? 15 दिन होंगे लेकिन सर 15 दिन से ज्यादा ही हो गए। आप लोग पानी नहीं मिल रहा है? सर एक को अपना अपन हाँसो वाली तो सुख लाएंगे सर, कपड़ा लता पीते नहीं चलता है। माथे पर पानी लेके जा रहे हैं आप लोग? हाँ, डेली सांझ बिना पानी ले जाए का नहाला बिना तो सर 10 दिन से नहली ना है। अच्छा। सीधे महा करा ले नहाला बिना। मामला हुआ है कि 15 दिन से सब पानी बिना व्यवस्था हो रहा था, बोल रहे थे कि जो नहीं पानी मिल रहा है, सब जनता मर रहा है पानी बिना, तो वही के चलते रोड जाम किया, मांग किया पानी के लिए। काहे नहीं पानी मिल रहा था? कहा कि मोटर था जो अंदर मुसल था, पाइप गिर गया था तो वो निकल ही नहीं रहा। कितने दिन से मोटर खराब था? 15 दिन से। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चले कि लखीसराय के बियाड़ा स्थित तो भूसा लकड़ी और दाल मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और इस आग ने जमकर तबाही मचाई। आगजनी के हादसे में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और बताया यह भी जा रहा कि जगदीश शाह के भूसा लकड़ी और दाल मिल में आग लग गई है। धीरे धीरे आग की लपटों ने भीषण रूप भी ले लिया और मिल में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलते ही लखीसराय और जमुई से दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया गया। आग से पूरे बियाड़ा परिसर में अफरा तफरी मची हुई है। क्या रखा हुआ था यहाँ? दाल का मशीन भी साफ हो गया। नालंदा थाना क्षेत्र इलाके के बड़गांव में जमीनी विवाद में अपने ही रिश्तेदार के द्वारा एक युवक का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक सुनील कुमार दिल्ली में रहकर काम करता था। जमीन बंटवारे के नाम पर सुनील कुमार को दिल्ली से बड़गांव बुलाकर भाई सुबोध सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। 8 बीघा जमीन को लेकर सुबोध सिंह और सुनील कुमार के बीच में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर सुनील सिंह को गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके शव को लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। मृतक के परिजनों का भी आरोप है कि सुबोध सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा गला दबाकर हत्या की गई है। गाड़ी चलाते थे और बुला के इसे अंजाम दिया गया। तो क्या इनको मारा गया या मारा गया है? क्या भाई और बाप के लेके तुमको हिस्सा नहीं देंगे, तुम मतलब हजारीबाग का जमीन है, ये सब बात पर विवाद चल रहा था। दिल्ली भी इनका जमीन था, कई खरीदे थे। तो मैंने बॉडी सड़ उड़ गया था क्या? नहीं नहीं, सड़ कहाँ गया था ता? खबर नालंदा से है जहां पर चंडी थाना क्षेत्र इलाके में 400 मीटर की दूरी पर पति पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया है। शनिवार की देर रात पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया और साथ ही रविवार को अहले सुबह 400 मीटर की दूरी पर पति का शव बरामद हुआ है। घटना के संबंध में चंडी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी दी है। आपको क्या आशंका लग रहा है? मेरा तो अभी कुछ नहीं लग रहा है सर, लग रहा है डॉक्टर बता देंगे। तो मैंने क्या मैंने मुंह से झागवा भी निकाला था क्या? किसका? इन दोनों का। हम जेबे नहीं किया। अच्छा, इसका क्या लग रहा है, मौत काहे हुआ? मैंने कुछ परिवार में था क्या, जुआ खेलते थे क्या? ये जी जुआ खेलता था लड़का सर। क्या चीज पर? और ये मोबाइल पर नहीं होता था, ग्रीन लेवल पर। क्या था वो हम लोग तो नहीं जानते हैं। अच्छा, कर्ज में डूबे हुए थे? 8 लाख रुपया बोला सर। कब से ही खेल रहे थे ये? वो तो उसका गार्जियन बता देगा सर। अच्छा, कई को लाश मिल रहा है? अच्छा, वो तो दोनों पति पत्नी है जी। तो मैंने की लग रहा है घटना को लेकर, की लग रहा है? मारा है क्या? अपने मारा है तो हम ना कैसे कर कैसे मारे? मैंने चोट उठ के निशान उशान दी है ना? नहीं। तो क्या मैंने क्या बताया जा रहा है?
तब बोल रहे गार्जियन की कुछ नहीं, आपने सब दवाई खा लिया है। अच्छा, मैंने कर्जा महाजन था। अच्छा, पैसा दिया करता था। हेरहंस थाना क्षेत्र के नवादा के अब वाटोली गांव निवासी स्वर्गीय सुधीर उराव के 10 साल के पुत्र प्रेम कुमार का शव 24 घंटे के बाद भी नहीं मिल पाया है। शव को खोजने के लिए चौपारण से गोताखोरों की टीम बुलाई गई है और जो कि ट्यूब के सहारे लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन शव नहीं मिल पाया है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को अब वाटोली से सटे पुरानी फायर क्ले माइंस खदान का यह पूरा मामला बताया जा रहा। लातेहार जिला में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री करने के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना मिली है कि चंदवा थाने के अंतर्गत सुभाष चौक के पास में अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री करने के लिए तस्करी करके लाया जा रहा था, जिसके बाद पदाधिकारी के निर्देशानुसार छापेमारी की टीम गठित की गई और चंदवा थाना के अंतर्गत सुभाष चौक स्थित बस स्टैंड के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड पर्व बनस मेला धूमधाम से मनाया गया। बनस मेला झारखंड का एक आस्था का परिचय है, जहां पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू किया जाता है और शिव भक्त 24 घंटे तक उपवास रखते हैं और दहकते आग के अंगारों पर पैदल चलते हैं। इसके बाद में माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। बनस मेला 7 जून के शाम से शुरू होता है और रात भर छऊ का नृत्य देखकर लोगों ने आनंद लिया है। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टेटिया बबर थाना क्षेत्र के डंगरा पहाड़ी जंगल में, आपको बताते चले कि अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और इसी सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां पर पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 3 बेस मशीन, 1 ड्रिल मशीन और 13 बैरल और एक मैगजीन के साथ में भारी हथियार भी बरामद किए हैं। हम लोगों को सूचना मिली थी कि ग्राम डंगरा केटिया बंबर थाना अंतर्गत वहां पर अवैध तरीके से हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, तो SDPO खड़गपुर के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें SHO केटिया बंबर, SHO बंगटा और हमारी DIU की टीम शामिल थी। रेड हुआ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, रेड के उपरांत वहां पर 2 व्यक्ति पकड़ाए और साथ ही में जितने भी उपकरण जो के इस्तेमाल किए जाते हैं हथियार बनाने में वो पकड़ाए हैं। इसमें 3 जो हथियार जो बन सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मारुति कार और स्कूटी से 200 पैचेस जो बोतल हैं वो अंग्रेजी शराब की बरामद की है। शहर के बटराहा वार्ड नंबर 36 में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब को बरामद किया है। एक मारुति कार और स्कूटी को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बटराहा वार्ड नंबर 36 स्थित बबलू कुमार पिता लक्ष्मी शाह के घर पर छापेमारी किया गया तथा उनके किराना दुकान एवं उनके निशानदेही पर दुकान के सामने लगे कार से एवं स्कूटी से अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। इस संबंध में 2 गिरफ्तारी हुई है, बबलू कुमार पिता स्वर्गीय लक्ष्मी शाह तथा सुजीता कुमारी पति बबलू कुमार। बरामद सामानों की रोहतास के सासाराम से शहरवासी गर्मी से निजात पाने के लिए तो वहीं बिजली विभाग लगातार बिजली की कटौती कर रहा। मामला सासाराम नगर के स्थानीय नूरन गंज मोहल्ले का है, जहां पर शहरवासियों ने आरोप लगाया कि बुद्धा मिशन स्कूल के पास में लगा ट्रांसफार्मर भी जल गया और ऐसे में किसी दूसरी जगह से बिजली की सप्लाई आती है। लगातार 9-9 घंटे बिजली की कटौती जो है वो की जा रही। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से बात भी की जा रही है। लाइन के लिए हम लोग कई बार कोशिश किए, लेकिन यहाँ का जो
काम करने वाला कर्मचारी है, पैसा लेकर के दो चार गो के नाम पर काम करने के लिए आता है और हम लोग जब भी फोन करते हैं फोन हम लोग का नहीं उठाता है। 24 घंटे में 3 घंटे भी लाइन नहीं जा रहा है, वोल्टेज भी नहीं जा रहा है। यहाँ की समस्या है कि हम लोग को लाइन यहाँ से वोल्टेज में हर बार जब जोड़ के जाता है 10 मिनट में लाइन कट जाता है। यहाँ के जो सुरेंद्र मिस्त्री है और एक रमेश मिस्त्री, दिक्कत है कि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 दिनों से बिजली का पोल टूटा हुआ है। यहाँ बगल में बुद्धा मिशन स्कूल है जहाँ हजारों बच्चे पढ़ने के लिए प्रतिदिन आते हैं, कभी केबल में आग लग जाती है, कभी गुल गिरना शुरू हो जाता है, तो बच्चे पर हमेशा बिजली गिरने की समस्या बनी रहती है। ये पोल टूटा हुआ है, 10 दिनों से पोल चेंज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं इस पर कितना सा तार लटकाया गया है। और समस्या इस बात की है कि लाइन प्रतिदिन हम लोग का डिस्टर्ब रहता है और कंप्लेन करने पर बिजली विभाग के द्वारा बताया जाता है कि तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चले कि लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम सेरक में जिले के प्रसिद्ध मंदिर में सभी हिंदू धर्म प्रेमियों की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ठाकुरबाड़ी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार साहू ने की है। इस बैठक के अध्यक्ष अर्जुन सिंह और सचिव सत्यवान यादव और कोषाध्यक्ष अखिलेश ठाकुर को बनाया गया है। भोजपुर जिले के बलुआगल बस स्टैंड में चुनावी विवाद में युवक की हॉकी से पिटाई कर दी गई। मामले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, बदमाशों ने कई बार उसके पैर पर वार किया है। जख्मी शख्स बीए का छात्र है और बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है और युवक की पिटाई की गई। घटना कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ बस स्टैंड की है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि जहां पर अभी बात कर रहे थे भोजपुर की, जहां पर सब्जी खरीदने गए छात्र की पिटाई की गई थी, बदमाशों ने हॉकी से वार किया था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया छात्र और छात्र का अस्पताल में जो इलाज है वो लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि भोजपुर से हैं, जहां पर सब्जी खरीदने गए छात्र की पिटाई का मामला सामने आया, बदमाशों ने हॉकी से वार किया, जिसके बाद में काफी ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गंभीर रूप से घायल छात्र का अस्पताल में इलाज भी जारी है। सब्जी खरीदने गए छात्र की अज्ञात युवकों ने पिटाई कर दी है, जिसके बाद वो काफी जो हालत है उसकी नाजुक बनी हुई है और लगातार मामले की छानबीन भी जारी है। आपको बताते चले कि जमुई टाउन थाना क्षेत्र क्या काम करते थे? अच्छा, ये कहाँ पे घटना हुई? तो आप लोगों को क्या जानकारी क्या मिली थी? घर में पता लगाया तो रात में थोड़ा सा आपसे विवाद हुआ था, पति घरेलू विवाद। और आपके कौन लगते हैं? मेरे छोटा भाई। तो ये घटना हुई तो आपको सूचना कुछ मिली होगी ना? क्या सूचना दिया? सूचना नहीं मिला, हम साइड से गए तो ये फांसी लगे हुआ था। ओ, आप खुद से गए थे? आपको कोई बताया नहीं कि कहीं घटना? आप भी काम करते हैं? आधा घंटा पहले। और आप जमुई टाउन थाना क्षेत्र के उजंडी गांव में, आपको बताते चले कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान भजौर गांव के रहने वाले रंजय कुमार के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि रंजय पेंटिंग का काम करता था, रंजय रोज की तरह ही काम पर गया हुआ था, जहां उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।
बोकारो में डीएलएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट लेने आई छात्रा से कॉलेज के द्वारा सर्टिफिकेट देने के लिए 5000 रुपए की डिमांड की गई। मामला बोकारो के अल हबीब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का है, जिसके बाद में छात्रा ने अपने पति के साथ में इसका विरोध किया है, तो कॉलेज कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। और हालांकि कॉलेज प्रमुख डॉक्टर रईस खान ने भी बताया कि 5000 मांगे जाने के बाद गलत बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि चार्ज 2000 रुपए का है, जिसकी रसीद भी दी जाती है। बेबुनियाद मनगढ़ंत बात है। सीएलसीसीसी का जो चार्ज फिक्स्ड है वही लिया जाता है, वो चार्ज है 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 प्लस 1000, 1000 सीसीएलसी का, 1000 सीसी का। नहीं नहीं, ये हम कॉलेज का है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज से लिया जाता है, कॉलेज से दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी का चार्ज है। यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन फी दिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी का चार्ज। माइग्रेशन और प्रोविजनल नहीं दिया गया, माइग्रेशन और प्रोविजनल नहीं दिया गया, उसके लिए मेरे से 5000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है। और हम पूछ रहे हैं कि जब काउंसिल ये सर्टिफिकेट हम लोग को स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाती है, तो फिर ये कॉलेज को हम 5000 रुपए पे क्यों करें? आखिर कॉलेज का कोई राइट नहीं बनता है, सीएलसी देने के एवज में ये लोग मेरे से 5000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। बस मेरा यही है कि राजपुरे में इतना ही, नमस्कार।